साथियों, भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है, निरंतरता बनाए रखी है। हमारे समाज में नैतिकता के प्रति आग्रह और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है। हमारा समाज अप्रासंगिक हो चुके कायदे कानूनों कुरीतियों रिवाजों उसको हटा देता है, फेंक देता है। वरना हमने ये भी देखा है कि कोई भी परंपरा हो जब वो रूढ़ी बन जाती है तो समाज पर वो एक बोझ बन जाती है और समाज इस बोझ के तले दब जाता है। इसलिए हर व्यवस्था में निरंतर सुधार एक अपरिहार्य आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा, मैं अक्सर कहता हूं कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। सरकार का दबाव जिन भी बात से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर रहा है। आप भी जानते हैं कि देश ने 1500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेज भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है।